अब हम समतल दर्पण से निर्मित प्रतिबिंबों के कुछ गुण देखते हैं। पहला, समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा वस्तु के आकार का होता है। दूसरा, वस्तु दर्पण के सामने जितनी दूरी पर होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने उतनी ही दूरी पर बनता है। तीसरा, आपतित किरण की दिशा को नियत रखते हुए जब दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाती है। चौथा, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन लैटरल इन्वर्शन हो जाता है। पी आकार की वस्तु का प्रतिबिंब क्यू आकार का बनता है। पांचवा, मोटे दर्पण में किसी वस्तु के कई प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, इनमें से द्वितीय प्रतिबिंब अधिक चमकीला होता है। छठवा, जब दो दर्पण किसी कोण थीटा से झुके होते हैं और उनके परावर्तक तल आमने सामने होते हैं तो उनके बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या n निम्न सूत्रों द्वारा दी जाती है। a, जब 360 अपॉन थीटा सम संख्या होती है तो प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 360 अपॉन थीटा माइनस 1। b, जब 360 अपॉन थीटा विषम संख्या होती है तो निम्न दो स्थितियां हो सकती हैं। पहला, n बराबर 360 अपॉन थीटा माइनस 1 यदि वस्तु दर्पण के मध्य सममित रूप से उनके बीच के कोण के अर्धक पर स्थित है। दूसरा, n बराबर 360 अपॉन थीटा यदि वस्तु असममित रूप से स्थित है। सातवा, जब दो दर्पण समांतर होते हैं तथा उनके परावर्तक तल आमने सामने होते हैं तो प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है क्योंकि n बराबर 360 अपॉन थीटा बराबर 360 अपॉन 0 बराबर अनंत। आठवां, परावर्तन की प्रक्रिया में आपतित किरण का कोणीय विचलन डेल्टा बराबर 180 डिग्री माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आर बराबर 180 डिग्री माइनस 2i क्योंकि i बराबर r होता है परावर्तन के नियम के अनुसार। नवा, यदि पृष्ठ सर्पी कोण थीटा हो तो डेल्टा बराबर 2 थीटा होता है। दसवा, समतल दर्पण में मनुष्य को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई उस मनुष्य की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। ग्यारवा, यदि दर्पण v वेग से चलता है तो स्थिर वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष 2v वेग से चलता है। बारवा, यदि कोई वस्तु स्थिर दर्पण के सापेक्ष v वेग से चलता है तो प्रतिबिंब भी दर्पण के सापेक्ष v वेग से चलता है। तेरवा, जब समतल दर्पण वस्तु से d दूरी से दूर हटता है तो प्रतिबिंब का विस्थापन 2d हो जाता है। चौदवा, अभिसरित किरणों के लिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है। अब हम गोलीय दर्पण पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न पहला, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो। इस प्रश्न में दोनों ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दी गई है, लेकिन हम जानते हैं अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। इसी आधार पर हम आगे इस प्रश्न को हल करेंगे। इसलिए अवतल दर्पण के लिए r बराबर -20 सेंटीमीटर। अब सूत्र अनुसार फोकस दूरी बराबर होती है r अपॉन 2। मान रखने पर हमें मिलेगा f बराबर -20 अपॉन 2 इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण के लिए r बराबर 20 सेंटीमीटर और सूत्र अनुसार f बराबर r अपॉन 2
और f बराबर होगा 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो दोनों ही स्थिति में फोकस दूरी सेम है क्योंकि वक्रता त्रिज्या भी दोनों की सेम है। फर्क इतना है कि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक होगी और उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी धनात्मक होगी। दूसरा प्रश्न, 10 सेंटीमीटर दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 5 गुना बने। मतलब यहां पर हमको रैखिक आवर्धन का फॉर्मूला यूज करना है। प्रश्न में दिया गया है दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। चूंकि ये अवतल दर्पण है इसलिए हम फोकस दूरी को ऋणात्मक लेंगे, तो f बराबर हो जाएगा -10 सेंटीमीटर और m बराबर होगा -5 क्योंकि यहाँ पर आवर्धन 5 गुना अधिक होना चाहिए, तो हम m बराबर लिखेंगे -5। सूत्र अनुसार m बराबर होता है -V/U जहाँ V दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी होती है और U दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी होती है। मान रखने पर -5 बराबर -V/U, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा V बराबर 5U। दर्पण सूत्र के अनुसार 1/V + 1/U बराबर 1/F होता है। इस सूत्र में मान रखने पर V बराबर 5U रखेंगे तो सूत्र बन जाएगा 1/5U + 1/U = -1/10। इसे हल करेंगे, एलसीएम लेंगे तो मिलेगा 6/5U = -1/10। अब त्रियक गुणन करेंगे, त्रियक गुणन करने पर 5U = -60 और यू बराबर हो जाएगा 60/5 = -12 सेंटीमीटर। अतः वस्तु को दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा जाना चाहिए। माइनस साइन ये बताता है कि वस्तु दर्पण के सामने रखी गई है, इसलिए हमने यहाँ लिखा है दर्पण के सामने वस्तु 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा होगा। तीसरा प्रश्न, कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन परिकलित कीजिए। इस प्रश्न में वक्रता त्रिज्या दी गई है यानी कि r बराबर -15 क्योंकि ये अवतल दर्पण है। इसके आधार पर फोकस दूरी यानी कि f बराबर होगी r/2 = -15/2, भाग देने पर −7.5 सेंटीमीटर। अब जब वस्तु दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है यानी कि u बराबर -10 सेंटीमीटर है, उस स्थिति में दर्पण सूत्र के अनुसार 1/V + 1/U = 1/F में मान रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1/V + 1/-10 = 1/-7.5। पक्षांतर करने पर 1/V = 1/-7.5 + 1/10। अब इसे हल करते हैं, -7.5 को हम -2/15 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार ये सूत्र हो जाएगा -2/15 + 1/10। हमने 7.5 को 2/15 इसलिए लिया है कि हम इसको सरल तरीके से हल कर सकें। अगर 7.5 लेकर भी हल करते तो भी आंसर आ जाता, लेकिन एलसीएम शायद लेने में हमको परेशानी होती, इसलिए हमने 7.5 को 2/15 लिख लिया है। जैसे कि 1.5 रहता तो हम उसको 3/2 भी लिख सकते हैं।
इस प्रकार यहाँ एलसीएम लेने पर 15 और 10 का एलसीएम हमने लिया तो 30 आएगा, और इस प्रकार एलसीएम लेकर हल करने पर मान मिलेगा -1/30। तो v बराबर हो जाएगा -30, यानी कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। माइनस साइन यह बताता है कि ये प्रतिबिंब दर्पण के सामने होगा, और यहाँ पर रैखिक आवर्धन होगा m बराबर -v/u इक्वल टू -30/-10 इक्वल टू -3, यानी कि प्रतिबिंब वस्तु की ओर दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 गुना बड़ा बनेगा, और यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा क्योंकि m का मान ऋणात्मक है। अब वस्तु यदि दर्पण के आगे 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हो तो हम लिखेंगे u बराबर -5 सेंटीमीटर। दर्पण सूत्र के अनुसार 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ मान रखने पर हमें मिलेगा 1/v + 1/-5 = 1/-7.5। पक्षांतर करने पर 1/v बराबर मिलेगा -1/7.5 + 1/5। फिर से हम 7.5 को -2/15 लिखेंगे। अब 15 और 5 का एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 15, और इसको हल करने पर हमें मिलेगा 1/15, यानी कि v बराबर होगा 15 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा क्योंकि यहाँ पर v का मान धनात्मक है, और पीछे बना हुआ प्रतिबिंब सदैव ही आभासी प्रतिबिंब होता है। अब देखते हैं इसका आकार कितना बड़ा होगा। इसके लिए हम रैखिक प्रवर्धन का सूत्र इस्तेमाल करेंगे। m बराबर -v/u, मान रखने पर m बराबर -15/-5 = 3, यानी कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 गुना बड़ा बनता है, और यह प्रतिबिंब आभासी होगा क्योंकि m का मान धनात्मक है।